एक तो इस इवेंट की खास बात यह है कि ऑल गर्ल्स इवेंट है, ऑल गर्ल्स इवेंट है जिसकी वजह से मुझे बड़ी खुशी है कि पार्टिसिपेंट गर्ल्स फ्रॉम ऑल ओवर द 10 डिस्ट्रिक्ट्स आई हैं। दूसरी बात, आज ये ज़रूरत है मौके की, वक्त की। बच्चों को मोबाइल और टीवी ने इतनी गुलामी की तरफ ले आए हैं कि बच्चे अब घरों से बाहर नहीं निकलते। ये स्पोर्ट्स इवेंट ऑल अक्रॉस द सेक्शंस, ऑल स्कूल्स, मैं तो कहता हूँ इसमें प्राइवेट स्कूल्स भी पार्टिसिपेट करने चाहिए, कर बाहर निकल रहे हैं, घरों से बाहर आ रहे हैं, इन्वायरमेंट को देख रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हेल्थ को बेहतर कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ को बेहतर कर रहे हैं। तो ये आज हमारे समाज की ग्रोथ के लिए, यंगर जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और चीज़ अच्छी होती है कि स्पिरिट ऑफ कॉमरेडरी, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सनशिप एंड स्पिरिट ऑफ हेल्दी कंपटीशन, ये भी इनमें उजागर होगा। और तीसरी बात, क्या पता कोशिश करते करते एक और शीतल देवी रियासी से निकल जाए। चीज़ के गुड्स एंड बैड्स होते ही हैं, टीवी के लिए भी ये कहा जा सकता है, केबल के लिए भी कहा जा सकता है, मोबाइल के लिए भी। रिक्वायरमेंट है उसकी यूज़ इस तरीके से करने की कि फ़ायदा सबको। आज आप देखें तो मोबाइल इमरजेंसी में भी मदद कर रहा है, लेकिन उसका गुलाम नहीं बनना है। बच्चे उसमें वो देखें जो उनके लिए ज़रूरी है, बच्चे इसके गुलाम ना बने और एक बैलेंस मेंटेन करके रखें अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी आईसाइट का, इन सारी चीज़ों के लिए। तो मुझे लगता है फिर मोबाइल के साथ साथ खेल कूद चलेगा तो बहुत बेहतर होगा। सर, आज जो बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये इंटर डिस्ट्रिक्ट डिविजनल लेवल के बच्चे हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से सिलेक्ट होके यहाँ एथलेटिक मीट में पार्टिसिपेट करने आए हैं। स्पोर्ट्स में लगभग 52 अदर अदर एक्टिविटी कर चुके हैं। कि अपने हमारे ऑप्शन की टूल जो है जानकारी के लिए बताएं बच्चों कि वहां से और अपने स्किल और अपने टूल का। थैंक यू सर। आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट पुंछ। कौन सी क्लास? क्लास 10। क्लास क्या चीज? रनिंग। यस सर। 400 मीटर। 400। यस सर। बहुत बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू बच्चों। थैंक यू सर। मॉर्निंग सर। यस सर। कितने बच्चे? 28। पीछे से वो फोटो ले रहे हैं। और स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा दुश्मन पिछले 10-15 सालों में जो हमने देखा है वो मोबाइल फोन है। अभी भी मुझे पूरा यकीन है तुम सब अपने मोबाइल पे जरूर थोड़ी देर बाद अगर हैं तो उन पे लगे रहोगे, लेकिन ये जो यूथ सर्विसेज की और आप बच्चों की कोशिश है, मुझे लगता है कि हमें रिवाइव करने की ज़रूरत है अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ को, टू इंश्योर कि बच्चे मानसिक और शारीरिक तरीके से तंदुरुस्त भी रहें, एजाइल भी रहें। जैसे कि हमारे एंकर ने कहा कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मेरा ये मानना है कि स्वास्थ्य के साथ साथ ये मानसिक संतुलन के लिए भी अच्छा है। जब आप अपने घर से बाहर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ गेम्स के लिए निकलते हैं तो आप इस हवा को, इस सूरज को, इस आसमान को, ज़मीन को, सबको अप्रिशिएट कर पाते हैं। नहीं तो घर की छत के अंदर बैठ के टीवी और मोबाइल देख के अब हमारा मेंटल डीजनरेशन शुरू हो गया है। स्पोर्ट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जब हम छोटे थे तो एक बड़ी कहावत चलती थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन इट इज़ नॉट लाइक दैट। अब ये है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलों को कूदोगे बेहतर रहोगे जनाब। तो इसलिए आप बच्चों को अपनी स्पोर्ट्स के साथ साथ अपनी एकेडमिक्स के ऊपर भी कंसंट्रेट करना है। ये जो बच्चे आए हैं तसेम, अगर मौका मिलता है तो इनको ज़रूर थोड़ा सा घुमाइएगा यहाँ पे, ये सामने फोर्ट तो तुम्हारे है ही है, और अगर इनको दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज दिखा पाओ इसी तरीके से, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि बच्चों को एक आइकॉनिक चीज़ दिखाने का मौका मिलेगा।